मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की चंदिया में क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले 5 सितंबर से चल रहे क्रमिक अनशन के बाद 20 सितंबर को चंदिया की हजारों जनता ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। आंदोलन को दबाने के लिए रेलवे ने भारी पुलिस बल लगाया था, लेकिन आंदोलनकारियों की रणनीति के सामने रेलवे की सारी सुरक्षा फेल हो गई। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों की मांग है कि पूर्व की तरह ट्रेनों का परिचालन कराया जाए और चंदिया रेलवे स्टेशन में पूर्व की तरह स्टॉपेज दिया जाए। आपको बता दें कोरोना कब से बंद पड़ी ट्रेनों में से कुछ ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन उन ट्रेनों का स्टॉपेज चंदिया रेलवे स्टेशन में नहीं होने के कारण सैकड़ों गांवों के ग्रामीण आक्रोशित थे। इससे पहले वे रेलवे प्रशासन से कई बार इसकी मांग कर चुके हैं, लेकिन रेलवे की तानाशाही और अड़ियलपूर्ण रवैये को देखते हुए आंदोलनकारियों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया, जिसमें विगत 15 दिनों से भूख हड़ताल की जा रही थी। रेल प्रशासन ने मांग को पूरी न करने पर रेल रुको और ट्रैक जाम करने का निर्णय लिया, जिसके तहत आज 20 सितंबर को आंदोलनकारियों ने रेल ट्रैक को जाम कर दिया। ये जो आंदोलन चल रहा है, इसके यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी। चंदिया वासियों की समस्या जायज थी। कुछ समय पूर्व एक नर्मदा एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिया जा चुका है, दो ट्रेनों का स्टॉपेज और आज दिया गया है। सभी जनता से अनुरोध है आंदोलन का रास्ता ना करें, बातचीत का रास्ता अपनाए, क्योंकि आज बहुत संख्या में यहाँ लोग आए थे। पीने के पानी के पाउच, खाने के डब्बे वगैरह काफी कचरा हो गया। जो चंदिया में ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर आंदोलन चल रहा है, उसमें पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई है और हर स्थान पर पुलिस है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो इनकी अगर जायज मांग है तो उसको रेलवे प्रशासन के भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो उस पर विचार भी कर रहे हैं और व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है और किसी प्रकार की